टाउन दिखा रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी हम कहाँ जा रहे हैं। हम यहाँ पे जा रहे हैं फोर्ट जॉर्ज, और यहाँ पे कैसल भी है इनवर्नस का, लेकिन वो टेम्पररी क्लोज है तो हम लोग वो नहीं देख पाएंगे। और एक एक यहाँ पे कैथेड्रल भी है जो कि आप देख सकते हैं, तो मे बी कैथेड्रल हम परसों देख सके जाने से पहले, बट डू नॉट नो, ये सब टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना टाइम है। तो अभी तो मैं सिर्फ दो ही चीजें देखने जा रही हूँ, एक तो है फोर्ट जॉर्ज और वो 4 बजे बंद हो जाएगा, तो हम लोग भाग भाग के जा रहे हैं, यहाँ से वो 20 मिनट की दूरी पे है। और दूसरी चीज हम देखने जा रहे हैं, क्या है आरती, क्या नाम बताया तुमने उसका, क्लाना क्लार्क समथिंग लाइक नेम है। बेसिकली वो जो है एक बरियल प्लेस होती थी इनका के टाइम की है, वो 4000 ईयर्स एगो की है वो, दे आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन दैट नेचर वे, सो दैट्स व्हाट आई एम इंटरेस्टेड टू सी दैट, सो लेट मी सी यू अगेन। ये इसको ओवरटेक करो, ये सामने जाने लग रहा है, पर इसके बाद ध्यान से करना कभी, मतलब पीछे पीछे लगे रहो और क्या करोगे, कैसे जान से ओवरटेक करो, समझ नहीं आ रहा, ये सिंगल रोड है और अपना घर नहीं है कि अपनी घर हो तो पता रहता भैया, हाँ अपना रोड है कैसे निकलना है, निकलिए हाँ वो तो है, ये हम सुन जाएंगे अभी और बजाना शुरू कर देंगे, पैपे पैपे क्या करोगे, फिर पर उतर के पीटने पड़ेंगे, हाँ यू तो सही पेट पाट के बाइक जाएंगे 12 केस लगता चाहे तुम कितनी तेज से काट लो और रीशूटर जाते हैं, अभी अभी वो होता ना तो अभी उसकी अभी कह देता पापा ऐसा है कि आप तो उतर लो, हाँ वही होता ना, नए नए ड्राइवर हैं अपने, लाइक मैं तो इतने सालों से तुम्हारे साथ चल रही, मुझे तो अपने से ज्यादा भरोसा है, मुझे मालूम है तुम वो ड्राइवर हो जो ऐसे होते ना। कल का मौसम देखना पड़ेगा, कल भी
पहन के चलेंगे नहीं तो मैं तो। तो हम सारे पेंगुइन बन चुके हैं, जा रहे हैं भैया एक और कैसल देखने के लिए। नाम क्या है भैया इस कैसल का? कैसल का नाम बता दिया जाए, फोर्ट जॉर्ज कैसल, जो अभी गया ने बताया होगा थोड़ी देर पहले। मैंने सोचा आप लोगों को एक बार फिर दोबारा रिमाइंड करा दूं। अब देखो बारिश हो रही है तो हम क्या बन गए, अभी पेंगुइन बन गए, थोड़ी देर में हम कुछ और बन जाएंगे। हम जहाँ पे रुके वहाँ से 20 मिनट ड्राइव पे है। तुम बनी क्या हुई हो ये? मैं कुछ ठंडी लगती है ना बहुत ज्यादा। नहीं मैं अपनी डबल कोट पहन के आई हूँ, प्लास्टिक वाली। ठंडी हमें भी लगती है। और जूते जूते भी वैसे वाले पहन के आने चाहिए यहाँ पे बारिश वाले ना। अगर यहाँ पे आइल ऑफ स्काई करना और ये ना, ये दो चीजें। चलो मैं आगे दिखाता हूँ इसको, हम पूछ रहे हैं कैसल के अंदर कैसा है। आर्मी के अंडर में है कुछ, ये कैसल के बाहर हमेशा ही होता था, इसके अंदर पानी भर देते थे एनिमी से बचने के लिए। और ये कुछ एंट्रेंस है इसकी, पता नहीं अब टिकट कितने की है। जाते हैं देखते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसा दिख रहा है अंदर से। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैं अंदर आ गया हूँ, अंदर क्या आ गया हूँ, ठंड ने मेरी भाई लगा दी इच्छा। आर्मी के अभी ये तो बंद हो गया लगता है भाई, ये पुलिस वाला आ गया है, मारेगा ये बंदूक ले रहा है ये तो छोरा, यो ना छोटा आज चिप पका। यहाँ से हम लोग ना टिकट लेने के लिए आए हैं अभी। ये कुछ ऐसे टिकट काउंटर लगा लो, एक शॉप है, सुवेनियर ले सकते हो आप लोग यहाँ से कोई भी। अरे भाई साहब पेपर की ड्रेस पहन के खड़े हुए थे, खड़े रहो बाबू तुम्हारी जिंदगी में खड़े रहना लिखा है तो खड़े रहो। सो 22 पाउंड की टिकट मिली है हम लोगों को, तीन जनों की 22 पाउंड की टिकट है। 5:30 बजे खुली थी, 4 बजे वैसे बंद हो जाता है काउंटर, तो 4 बजे से पहले आओ और टिकट लो और इंजॉय करो। देखो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। सो ये जो फोर्ट है ये एक आर्मी बेस है, जो हमेशा से एक आर्मी बेस रहा है स्कॉटलैंड का। और ये 1700 सेंचुरी का बना हुआ है, जब से ही ये आर्मी का बेस रहा है। चलो देखते हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं ऊपर। ये मेन एंट्रेंस आ गई, पहले एक अंदर आए थे अंडर, लेकिन ये मेन एंट्रेंस है। सो गाइस कुछ ऐसा है, एक उधर भी है, ये पार्ट दो पार्ट में है, दो बिल्डिंग है तो पीछे पूरी बिल्डिंग है, सेम टू सेम ऐसी काफ़ी सारी बिल्डिंग है। और इधर कुछ ऑफिस वगैरह दिखाई दे रहे हैं, सब आर्मी के ऑफिस है, पता नहीं रेजिडेंस भी हो सकते हैं उन लोगों का, देखते हैं आप लोगों को बताते हैं। बड़ा सुंदर सा है, क्यूट सा है। पूछा था तो कह रहे थे कि ये 1700 से 1700 समथिंग जब खुला था तो मेन आर्मी बेस था यहाँ पे, लाइक इट वाज टोटली कंट्रोल्ड बाय आर्मी पीपल, बट राइट नाउ ये मोस्टली टूरिस्ट एरिया है और यहाँ पे एक ही स्क्वाड रहती है, ब्लैक स्क्वाड आई थिंक सो, अभी भी डिप्लॉयड है यहाँ पे। वो लोग एक्सरसाइज करते हुए दिखते हैं, रन करते हैं ये सी कोस्ट पे, और यहाँ पे शूटिंग रेंज भी है। सो बेसिकली अब तो यहाँ पे वो टूरिस्ट प्लस एक ही इनकी बटालियन रहती है, पर फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं बाहर, इसके साइड में ही सी है वो भी देखते हैं। तो ये सब एक्टिव है अभी, ऐसा नहीं है कि खाली म्यूजियम है, ये सारी चीजें एक्टिव में है जो भी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। देखिए कैनन है सामने, मतलब तोप है, वो भी एक्टिव मोड पे है, शोपीस नहीं है वो जो सामने कैनन दिख रही है, शोपीस नहीं है वो, एक्टिव है। जो ये तलवार इसमें दिखाई दे रही है इंडिया से बिलोंग करती है, अफगानिस्तान से नाइफ बिलोंग करता है। ये तो मेडल लगे हुए हैं सारे यहाँ पे, इनके जो मेडल मिले हैं जैसे काफ़ी सारे इनके रेजिमेंट्स को मिले होंगे। और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो कि मुझे तो बहुत बुरी लगी और आप लोगों को भी लगे तो बोलना, मेरे को तो इसका ऑब्जेक्शन है। जैसे कि ये जो तलवारें हैं, इन तलवारों के नीचे यहाँ पे कोटेशन में लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान नेपाल और कश्मीर से बिलोंग करती हैं। इन्होंने कश्मीर को एक अलग देश बना दिया है, जो कि बहुत गलत है।
इन लोगों को ये बात सोचनी चाहिए। ये जो दिख रहे हैं ना, ये अफगानिस्तान वॉर की कहाँ की गया, ये ईरान इराक की लग रही मुझे। नहीं नहीं, ये कौन सी कंट्री का फ्लैग है ये, इस पर देखना, पढ़ियो इस पर लिखा होगा, मैं पीछे से बना। सो ये अफगानिस्तान से ही बिलोंग करते हैं, ये सब कुछ वहीं का है। और ये इनके गन वगैरह देख लो, विच गन इट इज, ये जर्मन राइफल है, इसका नाम है मॉस्टर राइफल। और ये जो नाइफ है, एमिनेशन की तरफ भाई, ये सब दिख नहीं रहा। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये तलवार, ये शाहजहाँ ने जो यहाँ पे कमांडर होता था उस टाइम का, तो उसको गिफ्ट की थी मुगल एम्परर ऑफ इंडिया जो था 17th century में शाहजहाँ ने। और पता नहीं संजू, कमांडर ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस ड्यूरिंग द सिख वॉर, सो सिख वॉर्स के टाइम पे वो मुगल्स ने दिया था उसको, शाहजहाँ ने 17, तो सिख के थ्रू जब लड़ाई कर रहे थे ये अंग्रेज लोग। क्या मतलब वो ये रिवॉल्वर से कोई किसी ने किसी को गिफ्ट दी है, कभी कोई किसी आर वॉर में यूज हुई है, किसी सोल्जर की है, कोई सोल्जर को अवार्ड मिले हैं, वो हैं सब ऐसे ही है, ये रिवॉल्वर है। उनकी यूनिफॉर्म्स हैं, तो वो सब एक हिस्ट्री है इन लोगों की, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रही है, सारी दुनिया को पता ही बात। तो ये इनकी आर्मी की गाड़ी खड़ी है, इससे पहले कि मुझे पकड़ के ठोकना शुरू करें मैं निकल लेता हूँ। सो गाइस देखो, मेरे पीछे आर्मी के इनके सोल्जर्स खड़े हैं और हम भी यहीं पे घूम रहे हैं। मैं तो पहली बार ऐसी किसी जगह पे आया हूँ कि जहाँ पे आर्मी भी डिप्लॉयड हो और आप भी एज ए टूरिस्ट घूम रहे हो, उस जगह को इंजॉय कर रहे हो, देख रहे हो। काफ़ी सारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री बहुत बढ़िया होती है देखने लायक कई बार, पर हम थोड़ा मिक्स फीलिंग शुरू हो जाती है क्योंकि सबको पता है इनकी हिस्ट्री हमारे साथ तो है ही है। बट ठीक है, हर नेगेटिव में पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी चाहिए, तो पॉजिटिव ये है कि इन लोगों की वजह से हम लोग यूनाइट हुए, बहुत अच्छा हुआ वो, है ना जी। हाँ जी, यूनाइट हो गए ना, बिल्कुल अपेड़ देंगे। ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, पीछे पूरा आर्मी का वो जो अभी हम घूम रहे थे जहाँ पे जो फोर्ट है आर्मी वालों का, तो नीचे रह गया, हम ऊपर आ गए। एक्चुअली ये देखो, ये जो कितनी सारी कैनन लगी हुई, कितनी सारी तोपें यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ चारों तरफ ना चार दीवारी है और ऊपर की तरफ आके इन्होंने ऊपर आने का रास्ता बना रखा। मेरे पीछे देखो, ये रास्ता जो है ना, ये सीधे इससे ऊपर आते हैं और पीछे इसके ओशन है, और उसको एंजॉय करो। और जब तक मैं तुम लोगों को कैनन दिखाता हूँ, ये देखो कितनी तोपें हैं, तोपे ही तोपे हैं। वो तोप नहीं है, वो काली काली तोप है दूसरी, इनके बाद दिखाई दे रही, वो तोपे नहीं है, तोपे है तो यही है। ये बरसती है, वो गरजती है, दो तरीके की तोप होती है, एक गरजने वाली और एक बरसने वाली। ये है भाई बरसने वाली और ये रही गरजने वाली। राइट और ऊपर आने के बाद ना, इस कैसल के ऊपर आने के बाद, कैसल नहीं सॉरी, फोर्ट के ऊपर आने के बाद, पीछे का व्यू ऐसा है इसके पीछे का, ये क्या कहते हैं ओशन से जो पानी कट के पीचे आता है, लगून जिसको बोलते हैं या बैक वाटर बोलते हैं, तो ये इसके टच करता है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। सुबह तो दिखा दें, और ये देखो गरजने वाली तो बरसने वाली, गरजने वाली तो गरजती है ना, मतलब जिस दिन बरसगी ना हैं कुछ भी ना बाबू, कुछ भी है और क्या।